दोस्तों मेरे पास एक कूलिंग चैम्बर है, वो लगाने के लिए जा रहे हैं। और इससे पहले हम लोग कस्टमर के यहाँ विजिट किए थे, तो कूलिंग चैम्बर किस कारण से चेंज करना पड़ रहा है वो मैं आपको बता दूं। कस्टमर ने क्या किया कि कूलिंग चैम्बर के अंदर पेचकस लगा करके जो आइस निकालने का कोशिश किया, कूलिंग चैम्बर पंचर हो गया। तो मेरे पास आज आ गया हुआ है एक सैमसंग फ्रिज का कूलिंग चैम्बर, और इसको लगाने चलते हैं हम। तो चलिए हम आपको चल के दिखा। हमारे पास ये सारा टूल्स बैग, वैक्यूम पंप हमने ले लिया है ताकि अच्छी तरीके से वैक्यूम करके रखें, और गैस रिफिलिंग करेंगे ताकि चॉकिंग का प्रॉब्लम दोबारा ना हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं। फ्रिज को हमने बाहर निकाल करके ले आया है। आप देख सकते हैं कबूतर कितना ज़्यादा इस पर टॉयलेट कर करके छोड़े हुए हैं, पूरे फ्रिज को बर्बाद करके रखे हुआ है। लगभग ये बकरीद के टाइम पे ही ख़राब है। बकरीद के टाइम पे ही इन्होंने चाकू लगा लिया था इस फ्रिज से। लगभग 5-6 महीने से ऊपर होने जा रहा है इस फ्रिज को बंद पड़े हुए। आपको दिखा दें कि पंचर कहाँ कहाँ पर है, या इस को हटाने के चक्कर में हर जगह पर पेचकस से खरोच लगा हुआ है। चलिए तो इस पुराने वाले चैम्बर को हम निकाल लेते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से पहले इसको खोलना, और ये जो कैपलरी और क्वार्टर पाइप है इसी के साथ नए वाले चैम्बर को हम जॉइंट लगा देंगे। तो पहले पुराने वाले कूलिंग चैम्बर को हम बाहर कर लेते हैं क्यू कटर से काट करके। चलिए तो नए वाले चैम्बर को लगा दिए हैं, और सिर्फ पेपर से थोड़ी सी पाइप साफ करके हमने ट्विस्ट कर दिया है, और इसको ब्रिजिंग कर देते हैं अच्छी तरीके से कैपलरी को और क्वार्टर वाली पाइप को। कैपलरी वाली पाइप को भी ब्रिजिंग कर लें। चलते हैं पीछे की तरफ, फिल्टर के तरफ इसको जॉइंट लगा लें अच्छी तरीके से। फिल्टर और कैपलरी के जॉइंट लगाने के बाद इसको मशीन से वैक्यूम करेंगे, क्योंकि काफ़ी पहले का पंचर है ये आइस चैम्बर। किसी तरह का कोई चॉकिंग का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कैपलरी ट्यूब में 2 एंटी मोस्ट पिला देंगे। कैपलरी को डाल के और सेक्शन लाइन जहाँ से हम गैस चार्जिंग करेंगे, पिन वॉल को बंद करेंगे, कंप्रेसर को ऑन करेंगे ताकि ये एंटी मोस्ट को कैपलरी के अंदर चला जाए। लगभग 2 कैपलरी ट्यूब हम पिला रहे हैं फ्रीज के अंदर। इसके बाद अच्छी तरीके से वैक्यूम करेंगे, कैपलरी ट्यूब के अंदर जो भी मॉइस्चर वगैरह होगी वो सारी निकल जाएगी। फिल्टर कैपलरी ट्यूब को ब्रिजिंग कर दी है हमने, एनआरवी को भी लगा लिया, और एनआरवी के अंदर जो पिन लगती है उसको लगा करके फिल्टर के आगे हमने एक छोटी सी पाइप जो लगाया है उसको भी ज्वाइंट कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ज्वाइंट हो जाएगी तो इसको वैक्यूम पे लगा देंगे। लगभग आधे घंटे हमको वैक्यूम करना है इस फ्रीज को। कई बार क्या होता है ना कि आइस चैम्बर लीक होने की वजह से कंप्रेसर के अंदर और पाइपलाइनों में पानी चली जाती है, कई बार चला देते हैं लोग।
बहुत सारे कस्टमर तेज समझते हैं, वहाँ पे एमसील वगैरह भी चिपका करके चलाने का कोशिश करते हैं ताकि हमारी फ्रिज चल जाए, पर ऐसा नहीं होता है दोस्त। तो चलिए हम इस चीज़ को वैक्यूम कर लें। फ्रिज के अंदर गैस डाल दिया, आर 600 गैस हमने डाला है, और बैक प्रेशर की बात करूँ मैं तो 0 से 1 रखा है। फ्रेंड वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।